लिए आपसे रिक्वेस्ट है, खाने की कोई भी चीज डालनी हो ना तो भाई सुबह डालते हम लोग। 17 मई 2021 को केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। आज हमारी सोसाइटी में केदारनाथ जी के रावल जी आ रहे हैं। वो हर साल आते हैं, जैसे जब द्वार खुलने, वैसे अभी कपाट तो टाइम है, पर वो यहाँ से होके फिर शायद जोशी मठ वगैरह ऊपर चले जाते हैं। तो जब आए हैं आएंगे तो दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे। ये दीदी ने दिए हैं चॉकलेट। ये क्या कह रही है, दिया क्या कह रही है? कुछ तो आया। अरे जा, आओ ना जल्दी से, बातें बना रहे। ले चॉकलेट। अच्छा ऐसे पकड़ हाथ में ले। अरे बिना कैमरे के ले ले। अब मैं ना सारी बैठ के खाऊंगा। उसने सोचा रिस्क नहीं ले सकते, आ जाते हैं कैमरे में उठा देंगे। हमारे देखा, हमारे घर में खाने के लिए सब पागल है। आ गए हैं रावल जी, मेरी आवाज शायद आएगी नहीं आपके पास। हमने एक दो चार दिन पहले उखीमठ गए थे, महाशिवरात्रि के दिन गति स्थल पर हम विराजमान होकर सभी पंडित विद्वान लोगों को बुला करके परंपरा के अनुसार केदारनाथ जी का कपट खोलने का तिथि तय किया जाता है। हमने शिवरात्रि के दिन तय किए 17 मई सुबह 5 बजे हम जाकर के खोलने का तय कर दिया। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। देखो आप सब भाग्यशाली है, जैसा महाराज जी ने बताया सितंबर में महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप और महाराज जी की अध्यक्षता में एक भव्य कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा और उसमें संत महात्मा के दिव्य प्रवचन और महाराज जी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये थे भीमा शंकर महाराज, है ना? श्री तो केदारनाथ जी के मुख्य पुरोहित ये ही हैं, रावल जी, और ये ही कपाट खोलेंगे 17 मई को, है ना? डेट थोड़ी गलत होगी तो पीछे देख लेना। उन्होंने बोली 17 मई 2021 को केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। मतलब कैमरा स्टार्ट करके तब बैठे हैं, लेट के खा रहे थे। आज मैंने इनका डिनर स्किप करवा दिया, शाम के बजे 7:30। फिलहाल अभी तक, मतलब जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मूड है कि यही पपीता खाया जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 9 बजे तक, अगर 9-10 बजे तक नहीं खाया तो फिर बिना खाए। कल भी नहीं खाया था और दिन में भी हमने ना अच्छे बच्चों की तरह वो खाया। तो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह हेल्दी फूड पपीता फ्रूट्स खा रहे होंगे। पपीता वैसे ना पेट तो एकदम से भर देता है, इसके बाद थोड़ी सी एक आध कचौड़ी वचौड़ी खा लो। ओहो इतनी तेज घंटी बजाते हो कि डरा देते हो हैं। अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे पपीता भी वहाँ रखे छोड़ दिया है, मैंने खा लिया जितना खाना है वो तो शुगर है। मैंने कहा रोटी रखी है और भिंडी रखी है तो खाने शुरू हो गए। जब अब सुबह की बात से रोटी खा रहा हूँ, बासी सब्जी बासी रोटी, ये भी ना खाऊं क्या? आपने मना किया था ना शाम का खाना बंद करना पड़ेगा परसों। ये 2 रोटी फिर बेकार में कुत्तों को डालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बेचारे कुत्ते खा लेते, गाय खा लेती। मैं कुत्ते से भी गाय गुजरा हूं। नहीं क्यों खाई आपने, अभी पपीता खाया पेट भर के, तो ये पेट कम नहीं करना। स्लिम हो चुका है। कुछ नहीं स्लिम हुआ, अंदर कर लिया। मैं अब ऐसे मुंड रखूंगी जब तक हवा नहीं निकलेगी। अच्छा ये बताएगी कि आज तक जितने भी सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए ना, एक ने भी नहीं बोला कि शर्मा जी
ये तो बात है, सब कह रहे थे कि पतले लगते हो शर्मा जी। मैं हूँ ही पतला, स्लिम हूँ बिल्कुल। इतने नहीं है, तोंद बहुत है उनको ना, बदनाम कर रखा है। रात तक भटूरे चाहिए। हाँ चाहिए, बस इसमें इश्यू नहीं चाहिए मुझे, और हरी मिर्च भी चाहिए साथ में, आम अचार भी चाहिए और प्याज भी चाहिए और छोले भी चाहिए। मतलब वीडियो देख के तबाही मचा जाए, मच रही है भाई जी। फिर रात को ने कहा ऐसा क्या पैनिक हुआ तुमने आज भटूरे खाए रात? मैंने वो देखी वीडियो देख ली, भटूरों का पैनिक अटैक के भाई चुमन हो गया। पता मैं क्या करूँ, हो गया तो हो गया। सही बात है। काफी लोग कहते हैं रात को वीडियो आता है आपका, वो कई कई के फोन आते हैं कि शर्मा जी तुम रात में रात कुछ कुछ दिखाते रहते हो, यार रात को एक बजे हमें भगना पड़ता बनाना पड़ता है। ऋषिकेश में दिन में कौन से अच्छे मिलते हैं? अच्छे तो कोई मिलते ही नहीं हमारे, मतलब रात को। फिर उसने बड़ी मुश्किल से कुछ जुगाड़ जो, मैंने मुझे नहीं पता भैया, मैं तो घर के छोले खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। और रात को तीन पेट पीने के बाद चार भटूरे खाए मैंने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खाने की कोई भी चीज डाल दियो ना तो भाई सुबह डालते हम लोग का टाइम चेंज कर रहे हैं, ताकि लोग ना रात तक अपना अरेंजमेंट कर ले। सही बात है। इस वाले अयोध्या आस्था पथ पर पूरे दिन बेचारे सफाई करते रहते हैं पूरे दिन, और फिर देखिए आप कितना कूड़ा है। मतलब लोगों को इतना भी वो नहीं है कि यहाँ एक डस्टबिन ये बने हुए हैं, वहाँ डस्टबिन, हर उस पर डस्टबिन बने हुए हैं, या तो ये हो कि डस्टबिन है ही नहीं, हर जगह डस्टबिन बने हुए हैं फिर भी लोगों ने बाहर फेंका हुआ है। बहुत दुख होता है ऐसे, कहीं भी हो, ये तो चलो माँ गंगा के पास है, ये सारा कचरा उड़ के ना अगर रात को तेज़ हवा चलती है जो कि, ये सब वहाँ जाएगा गंगा जी में, क्योंकि कोने पे है ना, ऐसे उड़ के सीधा डायरेक्शन में सब गंगा जी में चला जाता है। क्या कर सकते हैं, लोग समझते ही नहीं है। समझ जाओ भाई, क्यों कहीं भी रहते हो, ये नहीं कि आप ऋषिकेश में हो, कहीं भी रहते हो गंदा क्यों कर रहे हो? डस्टबिन आपके सामने है, डाल दो, नहीं हो तो अपने घर ले जाओ, वहाँ डस्टबिन में डाल दो, ऐसे मत करो। पर शर्मा जी खुश हो गए, भाई साहब बोल रहे हैं कि शर्मा जी वीडियो में तो बहुत मोटे लगते हो। बिल्कुल लाइव बता रहे हैं भाई साहब कि मोटा नहीं लगता ना भाई साहब बिल्कुल, बल्कि मैं बताऊं आपको कि इससे ज्यादा डाउन होना भी ठीक नहीं है। देखा, मैं इसीलिए तो खाता पीता रहता हूं। वो मैं बताऊं इनका क्या है, मैं बताती हूं, इनका फेस भारी है, फेस थोड़ा सा ना उसके अकॉर्डिंग है हैवी, तो इसलिए वो मोटे लगते हैं ज्यादा, ये ना वैसे नहीं है, थोड़ी ऐसा ना डाई में कमी कर दी, माल ज्यादा लगा दिया। अभी तो आपके आगे थे पाल, दवाई लगाई थी आपने ना, तो हम ज़्यादातर वॉक है ना रॉन्ग साइड में करते हैं। रॉन्ग साइड वॉक का ये फ़ायदा होता है कि सामने से आती हुई गाड़ी है ना दिख जाती है। प्रीति जरा भागी जा रही है, उसको पकड़ती हूँ अभी। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा देखो रनिंग कर रही है। सुबह सुबह पता नहीं इनके क्या खेत बढ़ते हैं, इतनी बुरी तरह से गैंग वार करते हैं। आधे पेड़ों पे नई कोपले आने शुरू हो गई है, तभी ये फूल दे त्योहार मनाया जाता है। ये मई में 2 साल का हो जाएगा। हाँ जी चले घर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी तो करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, भागने की लगती है। ये रास्ता है ना जा रहा ओणी गांव की तरफ, हमने ओणी गांव पार्ट 1 पार्ट 2 दिखाया था, हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब स्लिपन बहुत है।
ये वाला रास्ता नहीं, आगे से है वो शर्मा जी, आगे से रास्ता है वहाँ से। वो मतलब वो इसी के बीच, इस जंगल के बीच में से जाएगा, बीच में से पूरा बीच में से ऊनी गांव निकल जाएगा। हमें पता नहीं, पर हमारे ग्रुप में है ना ट्रैकिंग वाले जय भाई हैं, वो ट्रैकिंग करते भी थे, अब तो बड़ी राफ्टिंग कंपनी है उनकी, किस दिन उनसे पूछ के जाएंगे, अगर हो सका तो फिर रिकॉर्ड करेंगे। वो जा रहे हैं एकदम खाई में से रास्ता, ओनी बैंड हमारे घर से 7 किलोमीटर है ना। इसके साथ ही कोई बाघ उठा लेगा ना, दो थे। हाँ भाई हाँ। ये पहले कितनी बात करता था ना, बात करता मतलब रुक जाते थे दोनों के दोनों। ये हमेशा रुकता था जब भी हम आते थे ना, और जब से कुछ ऐसा लग रहा है ढूंढ रहा, उसी को ढूंढ रहा। हाँ, जब से इसके साथी को बाघ उठा के ले गए ना, तब से शायद परेशान है। शाम 5 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कोडियाला से तोता घाटी के बीच का रोड जो है वो बंद है, तो इसलिए जो जिन लोगों को देवप्रयाग जाना है वो यहाँ से गाजापट्टी कहाँ से होते हुए जाना है, चंबा से पहले ही कोई कट आता है वहाँ से जाना है मतलब मेरे को सीधा दिखाओ ना ऐसे करके, यहाँ ये वाला रूट चाहिए चलेगा, उनको वो वाला रूट नहीं चलेगा। अफगानिस्तान की गाजापट्टी, गाजापट्टी लिखा हुआ दिखाऊँ तो अभी चल के चल, 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 चल। हाँ। वो है वो मेरे फोटो दे लिए मैं। हाँ, तो वहाँ से जाना पड़ेगा आपको देवप्रयाग से। कोई भैया पूछ रहे थे कि ऊपर कौन कौन है, इतनी मतलब बढ़िया सफाई से मना कर दिया कि कोई नहीं है। 7 बजे उठ के गए हैं लोग, पहले चले जाते हैं, गर्मी आ गई है समझ गए। हमारा मॉर्निंग ग्रुप आ रहा है, हालांकि पूरा तो नहीं है, अभी काफी लोग रहते हैं। ऐसे मूर्खों का देश है ना हमारा। अब ये पता नहीं कौन है, चूना छिड़क रहे हैं और रोज का काम है। वैसे धूल मिट्टी साफ होती नहीं है, धूल के अंबार लगे हुए, ऊपर से चूना और छिड़क दो, सीधा हलक में ही जाएगा। पता नहीं सफाई दिखाने का कौन सा तरीका है भाई। तो भाई हम जो खाना पीना रात बिरात दिखाते रहते हैं, हम मतलब लगभग नाइट वॉक भी हमारी जो इवनिंग वॉक होती है लगभग 1.5-2 किलोमीटर की हो जाती है हमारे घर से लेकर राम झूला जाकर। अभी तो आपका वेट बढ़ गया 7-8 किलो है ना। क्योंकि कारण है कि जैसे हम दिल्ली में घूमते थे ना 3-5 किलोमीटर में हम अपने आप को चैंपियन समझते थे कि कितने सारा घूम लिए। अब हमारे को ये नाइट वॉक तो लगती नहीं है कि हुई, हम तो ऐसे टहलते टहलते लगभग 1.5-2 किलोमीटर हो जाते हैं। तो ज़्यादा खाया पिया मत करो, फिट रहा करो जवान में थोड़ा कंट्रोल रखो। और पता क्या होता है, 1-2 दिन पुराना जैसे एक दो तीन का वीडियो होता है वो हमारे सामने भी आ जाता है और कमेंट पढ़ के हमारा दोबारा मन कर आता है, दोबारा हम खाने चल देते हैं। शर्मा जी आज जल काफी साफ लग रहा है ना, आज गंगा जी बिल्कुल शांत है ना, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, और आज जल भी पहले से बहुत ज्यादा साफ लग रहा है ना, कभी साफ लगता है कभी मिट्टी ज्यादा लगती है। तो आज हमने सोचा कि शत्रुघ्न घाट तक पहुँच के यहाँ तक वॉक भी हो जाएगी और वीडियो को भी यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, तब तक अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें। हर गंगे, और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखिए, गंगा जी का तो रखना ही है ध्यान, अपने आसपास की सफाई का भी बहुत ध्यान रखिए क्योंकि वो आदत वहीं से पड़ेगी। हर गंगे हर महादेव।